अस्सलाम। आज हम बनाने लगे हैं चॉकलेट ब्राउनी। देखिए हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम लेंगे 1.5 कप मैदा, 270 ग्राम मैदा। ये हमें लिया, इसको हमने छान लिया, ये ले लिया हमने। अब हम इसमें 1 कप डालेंगे, 1 चम्मच भर के डालेंगे हम बेकिंग पाउडर, और आधी चम्मच हम डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा। इसको हम छान लेंगे, छान के अच्छी तरह इसको हम मिक्स कर लेंगे। यह मिक्स करके अब हम रख लेंगे। अब हम अपनी बाकी चीजें मिक्स करते हैं। देखिए जी, हमने लिए 4 अंडे, 4 अंडे ले लिए हमने, और इसमें हम तकरीबन 1.5 कप जितनी हम डाल देंगे इसमें चीनी। स्पाइसिंग शुगर है ये, 1.5 कप जितनी डाल देंगे। अब हम इसमें घी डालेंगे, 1.25 कप के करीब हमारे पास घी है। घी ही डालेंगे और ये डालेंगे, सारी चीजें डाल के हमने मिक्स कर दिया। हमारे पास 1 कप दही है, दही डालेंगे हम। सूखी चीज़ों में ये मैदा हमारे पास, इसमें हमने बेकिंग पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाल के मिक्स किया हुआ, इसको हम डाल के आराम आराम से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है हमने। हमें ज़रूरत पड़ेगी, अगर हमें ये कम लगे तो हमें इसमें दही अगर कम है तो हम इसमें 1 कप 1/2 कप इसमें ना दूध भी शामिल कर सकते हैं, नीम गरम, ठंडा दूध इस्तेमाल नहीं करना हमें, रूम टेम्परेचर पे हो वो हम इसमें डालेंगे। ये 270 ग्राम हमारे पास था मैदा, वो हमने डाला इसमें। अच्छे से मिक्स हो गया, अब हम इसको 1/2-1/2 कर लेंगे, ठीक है। आधा हम निकाल लेंगे इस बॉल में, आधे से थोड़ा कम, क्योंकि हमने इसमें चॉकलेट मिक्स करनी है। ये आधे से कम हमने इसमें डाल दिया। अब इसके अंदर हम अपने लिए कोको पाउडर मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्स करते जाएंगे। हमें ज़रूरत महसूस होगी तो इसमें हम दूध डालेंगे। हमारा बैटर ये नज़र लग रहा है कि थोड़ा हार्ड हो गया, और इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, आराम आराम से इसको मिक्स कर लेंगे। ये भी हमें उसी फॉर्म में चाहिए जैसे हमारा वो दूसरा है, हमें एक जैसे चाहिए बिल्कुल। बस ये देखिए, अब हम इसको सांचे में डालना शुरू करते हैं। आपको तरीका बताते हैं कैसे हमने उसमें डालना है इसको, ठीक है। ये देखिए जी, ये सारा जो हमने कोको पाउडर मिक्स किया था ना, ये सारा हमने इसी बोतल में डाल दिया, ठीक है, इसमें हमने डाल दिया। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ढक्कन, और अब हम लेंगे अपना सांचा इसमें डालने के लिए। ये हमने ऐसे इसको बनाना है,
पहले हमने लिया ये, देखिए दरमियान में हमने डाल देना ये, कोशिश करें कि दरमियान में बिल्कुल रहे। अब हमने इसके ऊपर ये जो इसमें हमने अपना डाला है मिक्सचर, ये हमने डालना है ऐसे। अब हमने इसके ऊपर फिर इसके दरमियान में डालेंगे ये, ये खुद ही फैलता जाएगा, अपनी जगह बनाता जाएगा। हमने बस इसके दरमियान में डालना है ये, चाहे घूम के जहाँ मर्जी जाए, हमने अपनी जगह सही रखनी है। ऐसे ही हम ना सारी अपनी लेयर लगाते जाएंगे इसी तरीके से। जब हमने इसकी सारी तहें लगा ली, अब हम इसको शेप दे लें थोड़ी सी डिजाइन। ये देखिए आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, ऐसे जरा इसकी लुक अच्छी आ जाती है। अंदर से भी जब इसकी कटिंग होगी तो ये प्यारा हो जाएगा। हम इसको प्रीहीट ओवन में 40 से 45 मिनट तक इसको बेक करेंगे। ये पक्के तैयार हो गया हमारा केक। ये देखिए चेक करिए, ये बिल्कुल साफ है, ऐसे ही आपने चेक कर लेना इसको। और हमने इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा भी कर लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर हम चॉकलेट लगाना शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे हमने लगाना है इसको। ये हमारे पास चॉकलेट है, हमने इसको ना मेल्ट कर लिया अच्छे से, ठीक है। अब हम इसके ऊपर अपनी चॉकलेट लगाना शुरू कर देंगे, ये बिल्कुल ठंडा करके फिर इसके ऊपर चॉकलेट लगानी है, ऐसे नहीं लगानी है। हमने पूरे पे चॉकलेट लगा ली है, अब हम इसको फ्रीजर में रख देंगे, अच्छे से ये ठंडी हो जाएगी, फिर इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है।